हाय फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग अयोध्या धाम से। दोस्तों, आज मैं की ब्लॉग वीडियो में आपको मैं भक्ति पथ मैं दिखाऊंगा। अभी तक भक्ति पथ कितना कंप्लीट हुआ, जो कि भक्ति पथ ये राम जन्मभूमि मंदिर को सीधा आपको लेते जाएगा। अभी तक भक्ति पथ पे जो निरंतर कार्य हो रहे हैं लगभग सालों से, ये समझ लीजिए हाँ सालों से काम हो रहे हैं, तो भक्ति पथ का अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ है आज की ब्लॉग्स वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो पर बने रहें। प्लीज़ जो राम भक्त हमारे चैनल पे जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपको ये सीधा ये वाला ये आपको अमावर राम मंदिर है दोस्तों। और उसके बाद इस साइड में आपको निःशुल्क LIC द्वारा RO पानी की सुविधा आपको मिलेगी। और कुछ भक्तगण जैसे हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद सीधा इस भक्ति पथ के माध्यम से सीधा राम जन्मभूमि मंदिर को जाते हैं। उसके बाद कुछ और भी ऐसे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, इस साइड भी देख रहे हैं, इसमें भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है दोस्तों। ये भी यात्री जो तमाम भक्त लोग आते हैं उनके लिए ये तैयार किया जा रहा है। तमाम ऐसे कालम जो राम मंदिर में जो प्रयोग हो रहे हैं निरंतर, तमाम ऐसे कार्य चल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे तैसे यहाँ पर एक इस साइड में जो वहाँ पर है इस साइड में आपको निःशुल्क लाकर मिल जाएगा। अगर आप दूर दराज से आते हैं, अगर निःशुल्क लाकर में जैसे कि आपका बैग हो गया या पर्स हो गया, मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जमा कर सकते हैं, तो उसके बाद ही राम मंदिर में आपको एंट्री मिलेगी दोस्तों। ये भक्ति पथ है, ये भक्ति पथ ये देखो ये निरंतर ये घेर दिया गया है। और इस साइड से अभी तक भक्ति पथ का के लिए रोड खुला गया है। और इस साइड को भी ब्लॉक कर दिया है, इस पर कार्य चल रहा है। और इधर अगर जैसे कि आप बाइक से आते हैं, बाइक से आने के बाद आप इस सर आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ तमाम भक्त इतनी कड़ाके धूप में तमाम ये भक्त लोग आ रहे हैं। उसके बाद बाइक पार्किंग के लिए आप यहाँ पर साइड में जो जगह है इधर बाइक पार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि जो राम भक्त इधर से एंट्री करते हैं, राम भक्त राम मंदिर देखने के इधर से एंट्री करते हैं, उसके बाद जो उनकी निकासी होती है जो वहां से वापस आते हैं प्रसाद लेकर, तो इस रास्ते से ये आते हैं। ये जो आपको ये सामने लोगों दिखाई दे रहा है, ये इस रास्ते से जो राम जन्मभूमि का दर्शन करने के बाद इस रास्ते से निकासी होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये देखो आप, ये जो लाइटिंग ये सामने आपको दिखाई दे रहे दोस्तों, ये राम की जो धनुष है उसी आकार पर बनाया गया जो लाइटिंग सफ़ेद सफ़ेद, और बीच में जो अयोध्या का हमारा फेमस लोगो बनाया गया है दोस्तों, ये लोगो है अयोध्या का, अयोध्यापुरी का लोगो। और उसी और उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आएंगे तो तैसे जैसे यहाँ से एक्सेप्ट होंगे तैसे ही आप इसी लॉकर में आप निःशुल्क जो आपने लॉकर में रखा था इसी से यहाँ पर आकर अपना सामान ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यात्रियों के लिए जो तमाम ऐसे राम भूमि ट्रस्ट द्वारा इसमें यात्रियों के लिए बैठने का उचित व्यवस्था बनाई गई है। उसके बाद जगह जगह पर भक्ति पथ में जगह जगह पर अगर कोई भी भक्त चल के थक जा रहा है तो जगह जगह उनके लिए चेयर की भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। उसके बाद ये तमाम ऐसे भक्त लोग इस रास्ते से आते हैं। तो दोस्तों ये अब और ये भी सीवर का काम चल रहा है, इस पर भी आप पंजाब नेशनल की तरफ से निःशुल्क पानी भी यहाँ से आप पी सकते हैं। उसके बाद ये सीवर का काम चल रहा है दोस्तों। ये तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये भक्ति पथ का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से प्रभु श्री राम से जुड़ी तमाम ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल UP ब्लॉग तक को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि प्रभु श्री राम से जुड़ी तमाम ऐसी वीडियो का दर्शन आपको मिलता है।